नमस्कार, गुड इवनिंग डियर डायबिटिक फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज मैं आपको पांच इम्पोर्टेंट डाइट के टिप्स दे दूंगा, जिसके जरिए आपकी ब्लड शुगर 30-40% से कम आ सकती है। तो आइए देखते हैं क्या है डाइट टिप्स। नंबर एक, आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, यानी जो आप खाना खाते हैं उसमें से इंडियन डाइट में 70% जो पदार्थ रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारी रोटी, चपाती, राइस, भाकरी और मेदू वड़ा, मसाला डोसा, ये सारी चीज़ जो है ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम करना है और 70% से 40% तक लाना है। लो फैट डाइट ये इसलिए क्योंकि ऑयली पदार्थ फैट अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और आपको कैलोरीज भी ज़्यादा मिलेगी, आपका वजन बढ़ेगा। तो इसलिए लो फैट लेना है आपको। ये रहा पहला टिप। सेकंड टिप आपका जो है वो खाने में आप मिलेट्स लेना चालू कीजिए। मिलेट्स क्या है? जैसे हम गेहूँ और राइस रहता है उसके दाने रहते हैं, वैसे छोटे छोटे दानों वाला जो अनाज रहता है, सीरियल्स रहते हैं, जैसे कि ज्वारी है, नाचनी है, कोड़ो है, वरी है, ऐसे लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। तो ये सारे जो मिलेट्स है, ये मिलेट्स का आप चपाती बना सकते हैं या भाकरी बना सकते हैं या राइस भी बना सकते हैं। तो ये लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि मिलेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में रूपांतर बहुत स्लो होता है, तो आपका शुगर स्पाइक खाने के बाद में नहीं होगा। दूसरा, इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी अमाउंट ऑफ फाइबर रहते हैं, तो फाइबर इज़ गुड। फाइबर से हमें कुछ ग्लूकोज में रूपांतर नहीं रहता। नंबर थ्री, ये ग्लूटेन फ्री रहता है। नंबर फोर, इसमें काफ़ी सारा आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स रहते हैं जो अपने सेहत के लिए अच्छे रहते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं। तो ये सारे मिलेट्स के फायदे हैं। तो गेहूं और चावल को बाजू में रखिए और मिलेट्स लेना आप चालू कीजिए। थर्ड थिंग इज, आपको ग्रीन सलाद और ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है कंपलसरी। खाना खाते समय दोपहर को, लंच के साथ में और डिनर के साथ में एटलीस्ट आप एक बड़ा बोल लीजिए, उसमें ग्रीन सलाद बनाइए, कोशिंबीर या कचुम्बर, ककड़ी लीजिए, टोमेटो लीजिए, आप गोभी का पत्ता लीजिए, मूला लीजिए, इसका सारा एक ग्रीन सलाद बना के आप बोल बनाइए, बोल लीजिए, उसमें भरिए और उसमें का आधा जो ग्रीन सलाद है आप खाने की शुरुआत करते समय ही लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रीन सलाद जो है उसमें फाइबर ज़्यादा रहता है और ये कार्बोहाइड्रेट और ऑयल का एब्सॉर्प्शन स्लो कर देता है, तो आपको शुगर का स्पाइक नहीं आएगा। नेक्स्ट टिप, फोर्थ टिप इज कि आपको प्लेट का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। आपकी जो खाने की प्लेट है वो प्लेट को चार भाग में आप डिवाइड कीजिए, इक्वल पोर्शन, 25% ईच। पहला पोर्शन है ग्रीन सलाद लेना है 25%, दूसरा 25% पोर्शन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, और आपको कुछ नॉनवेज खाने वाले जो लोग रहेंगे वो कुछ फिश जैसा या चिकन जैसा कुछ ले सकते हैं। थर्ड पोर्शन इज दाल, तो 25% पोर्शन दाल का होना चाहिए, और लास्ट पोर्शन इज सीरियल, 25% जो है, जैसे मैंने कहा गेहूं का मत लीजिए, चावल का मत लीजिए, आप मिलेट्स, ज्वारी और बाकी मिलेट्स इस्तेमाल करना चालू कीजिए जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। और लास्ट पांचवा पॉइंट है सुपर फूड्स लेना चालू कीजिए। तो ये सुपर फूड्स क्या है? सुपर फूड्स यानी ऐसे फूड रहते हैं कि जिसमें प्रोटीन का प्रमाण ज़्यादा रहता है, विटामिन्स का प्रमाण ज़्यादा रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी सारे रहते हैं, तो ये जो है आपके शरीर के लिए मैक्सिमम बेनिफिट देगी और आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से भी दूर रखेंगे। तो क्या है ये सुपर फूड? जस्ट टू गिव एग्जांपल, अखरोट, आप अखरोट खाते जाइए दो पीस, तो अखरोट में लॉट ऑफ फाइबर है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और
काफ़ी सारे आयरन और कैल्शियम भी उसमें है। देन फ्लैक्स सीड लीजिए, आप पम्पकिन सीड लीजिए, दालचीनी लेते जाइए और पालक लेते जाइए। तो ये कुछ सुपर फूड जो बोलते हैं उसमें काफ़ी सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण एकदम कम रहता है। तो ये रहे 5 टिप्स, जस्ट टू रिकैपिचुलेट। नंबर 1, आप लो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट लेना चालू कीजिए। नंबर 2, आप मिलेट्स का इस्तेमाल कीजिए, राइस और वीट को बाजू में रख के ज्वारी या बाकी मिलेट्स इस्तेमाल करना चालू कीजिए। नंबर 3, आपको ग्रीन सलाद लेना है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है। नंबर 4, आपको प्लेट का कंसेप्ट, प्लेट को 4 भाग में डिवाइड कीजिए और ग्रीन सलाद फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड पल्सेस और नॉनवेज, एंड थर्ड पार्ट जो है वो आपको दाल लेना है, कौन सी भी दाल चलेगी, और चौथा पार्ट जो है 25% का वो मिलेट से बनाई हुई चपाती, भाकरी या राइस लीजिए। तो अगर आप ये 5 टिप्स बराबर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर जो है 30-40% से कम हो सकती है बिना कोई मेडिसिन। सो मेक यूज ऑफ दिस टिप्स एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। विश यू हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मैं हूँ डॉक्टर विजय चिले, MD फिजिशियन एंड डायबिटिक सेवियर। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। धन्यवाद।